हेलो गाइस, कैसे हो सारे के सारे। मेरा नाम यूसुफ अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूसुफ अली। गाइस, आप सभी का एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। ये हमारे साबिर भाई, साबिर भाई आज हम दोनों जा रहे हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन साबिर भाई की जीजाजी को छोड़ने के लिए। तो गाइस, काफी मजा आने वाला है, मस्ती करेंगे और बाकी वीडियो में देखते रहिए। पूरे स्टेशन का वीडियो भी दिखाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, तो बाकी आप वीडियो देखते रहिए, काफी मजा आएगा। तो गाइस, हमारी ऑटो आ चुकी थी, हम वहाँ पे वीडियो नहीं ले पाए। गाइस, हम घर से बाहर जो है निकल चुके हैं। ये है हमारी ऑटो, ये हमारे ऑटो वाले भैया। ठीक है गाइस, हम जो है निकल चुके हैं। साबिर भाई अभी सामान लेने के लिए गए हैं, इसीलिए बाकी हम ऑटो में बैठेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। अभी हम बैठ चुके हैं ऑटो के अंदर, है ना साबिर भाई? ये है हमारे ऑटो वाले ड्राइवर, ये देख लो, ये हमारे ऑटो वाले भैया है। और हम बैठ चुके हैं अभी ऑटो के अंदर। ये हमारे साबिर भाई के पिताजी, इनको हम छोड़ने जा रहे हैं अभी। काफ़ी मज़ा आएगा गाइस, वीडियो देखते हैं ना, हम आपको पूरी पुरानी दिल्ली जो है घुमाएंगे, काफ़ी मज़ेदार सीन वहाँ के हैं। ठीक है गाइस, वीडियो पे देखते रहो। ये किराड़ी का काफी तगड़ा ट्रैफिक है, आप देख सकते हैं, दिखाओ यीशु। ये देखो गाइस, ये किराड़ी के ट्रैफिक है ना भाई? हाँ, लेकिन यहाँ के जो विधायक है काफी ढीले हैं। हम जो है जाम से बाहर निकल चुके हैं। हाँ, काफ़ी टीडी से स्पीड से ओडी से ऑटो चला रहे हैं और काफ़ी मज़ेदार सीन आ रहे हैं। यहाँ पे गाना सुनते हुए जा रहे हैं गाइस हम, लेकिन गाना इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। मास्क पहन लेते हैं, मास्क बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हेलो गाइस, सब देख सकते हैं हमने काफ़ी ट्रैफिकों का सामना करते हुए। गाइस, अभी हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे हमारे ऑटो में अभी जो है सीएनजी डाला जा रहा है ना। यहाँ पे पेट्रोल और सीएनजी दोनों अवेलेबल है। ये है मंगोलपुरी का पेट्रोल पंप, अगर किसी का किसी को भी अगर आपने सामने फंस जाए तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से आप जो है पेट्रोल भी भरवा सकते हैं और सीएनजी गैस भी डलवा सकते हैं। ये मंगोलपुरी एक्सप्रेस के बस हम जो है पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप पे और काफ़ी मज़ेदार सफ़र चल रहा है। अभी पुरानी दिल्ली हम जा रहे हैं गाइस, तो ये बैक कैमरे से मैं आपको यहाँ का सीन दिखा देता हूँ, कैसा माहौल है यहाँ पे का, पेट्रोल पंप कैसा है। ये देखो गाइस, ये है पेट्रोल, यहाँ पे आपको पेट्रोल मिल जाएंगे बाइक में डलवानी हो, कार में। ठीक है गाइस, और यहाँ पे जो है सीएनजी, यहाँ पे सीएनजी गैस भरा जाता है। तो बस गाइस, ये है पेट्रोल पंप का कुछ सीन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये है क्या रेट है सीएनजी का? अच्छा अच्छा, 53 रुपये 4 पैसे सीएनजी का रेट है। गाइस, हम बैठ गए ऑटो के अंदर और हमारी ऑटो में जैसे सीएनजी गैस डल चुकी है। गाइस, पूरा रात का सीन हो चुका है, कार गाइस, ये ऊपर में मेट्रो चल रही है और नीचे में गाड़ी चल रही है, काफी मजेदार सीन है यहाँ पे का। इंटरलॉक गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं इंटरलॉक में। तो गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। पीछे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ब्यूटीफुल सीन यहाँ का, ये प्लेटफॉर्म नंबर सेकंड में हम खड़े हैं। गाइस, ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन।
अभी हम चलते हैं अंदर को, हम देखेंगे कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आएगी। अभी हम चलते हैं अंदर में, देखते हैं कौन से आगे वीडियो में मिलेंगे, कौन से नंबर पे आएगी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी। चलिए गाइस, तो गाइस फाइनली हम जो है अंदर आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 9 में है। हम गरीब नवाज एक्सप्रेस जो अजमेर से किशनगंज तक जाएगी, तो हमें दिल्ली से किशनगंज भेजना है बाइक को, तो इसलिए जो अभी हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। गाड़ी आने ही वाली है, इसी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे के अंदर गाड़ी प्रवेश कर जाएगी अंदर प्लेटफॉर्म में। अभी प्लेटफॉर्म खाली है, तो अभी कोई भी नहीं आ सकते हैं कि इधर से लोग अभी कम ही जा रहे हैं ठंड की वजह से, कुछ भी रीज़न हो। गाइस जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पूरा प्लेटफॉर्म अभी खाली नज़र आ रहा है। ठंड का मौसम है और ऐसा लगता है कि लोग इधर से कम ही जाएंगे। गाइस हमारी ये ट्रेन आ चुकी है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है लाइट। गाड़ी आ चुकी है और गाड़ी में काफी भीड़ है गाइस। तो गाइस फाइनली गाड़ी आ चुकी है और गाड़ी में काफी भीड़ है ना साबरी भाई? गाड़ी खुलने वाली है, तो हम जो है भाई जी को गाड़ी में बैठा लेते हैं। गाड़ी अभी खुलने वाली है, ये चले जाएंगे अपने गांव, अपने घर सही सलामत। क्यों अभी निकलने वाले हैं कुछ मिनटों में। तो फाइनली गाइस हमने छोड़ दिया जीजा को, अब हम यहाँ से अपने घर के तरफ रवाना हो रहे हैं। तो गाइस हम जो अब घर की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी खुल जाएगी 8:30 तक। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, अभी 8:09 हो रहे हैं, तो 8:30 तक जो है गाड़ी खुल जाएगी। ऐसा देख सकते थे कि एक्चुअली क्या होता है इसमें, जब हम प्लेटफॉर्म में आए थे तब लग नहीं रहा था कि कुछ है भीड़ हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुका है गाइस। वैसे वेटिंग टिकट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बिना टिकट के। ये देखो गाइस कितना भीड़ है स्टेशन पे, अभी जब हम आए थे तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 है, 8:10 हो रहा है, और ये इधर को है प्लेटफॉर्म नंबर 10। तो जैसा कि गाइस हम अभी ट्रेन में थे तो मास्क उतार दिए थे, लेकिन अभी प्लेटफॉर्म में है तो मास्क जरूरी है। तो गाइस हम फाइनली बाहर निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन के, अब हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं। ये यहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ है, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है फ्रंट कैमरे से, इसलिए आप जो है हम घर के लिए रवाना होंगे। देखते हैं जो हो सके वीडियो शूट कर लेंगे जाने आने का, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ से जो है हम घर की ओर निकल रहे हैं। ये है मेट्रो स्टेशन, यहाँ से सामने के लिए मेट्रो लेंगे बिल्कुल, और हम सीधा नागलोई से फिर घर को जाएंगे। देखते रहिए गाइस लोग, कोशिश करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियरिटी के साथ अंदर का पूरा सीन दिखाया जाए आपको। बिल्कुल गाइस, जामा मस्जिद का ब्लॉग जो है काफ़ी मज़ेदार, मैं लाइव स्ट्रीमिंग दिखाने वाला हूँ इस चैनल पे, काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग है। ये हमारे दूसरे वीडियो का जो जामा मस्जिद के ऊपर बनेगी, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो अभी हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन अंदर, अब मेट्रो पकड़ेंगे यहाँ से नागलोई की। आ चुके हैं कौन से स्टेशन पे? नागलोई रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। नागलोई रेलवे स्टेशन सॉरी, नागलोई मेट्रो स्टेशन है। अभी हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं बस, अब हम यहाँ से रिक्शा पकड़ के घर की तरफ जाएंगे। हम आ चुके हैं नागलोई से नहर पे, और नहर से मस्जिद वाले रोड पे, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ।
ठंड काफी है और रात हो चुकी है, 10 बज गए ना, 11 11 बज चुके हैं और फाइनली हम घर पहुंचने वाले हैं तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। तो अपना ख्याल रखना और चैनल को करना सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। चलो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।